चारों विधानसभा सीटों पर टीएमसी आके ममता बनर्जी ने दी जीत की बधाई। कर्नाटक कांग्रेस की मांग, दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मिले पद्मश्री सम्मान। बीजेपी ने शामिल होने जा रहे सपा विधायक सुभाष पाचिनी को पार्टी ने निष्कासित किया। कोविड के चलते चुनाव आयोग ने उपचुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों के विजय जुलूस पर रोक लगाई। लखीमपुर हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिले के कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत करने के साथ मेधावियों को भी पुरस्कृत किया। साथ ही किसानों को नसीहत देते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने खेतों में कई तरह की खेती करनी चाहिए, जिससे कम भूमि में अधिक से अधिक पैदावार हो सके। साथ ही किसानों को और अधिक प्रशिक्षण देने की भी जरूरत है। मन से ही राज्यपाल ने कृषि वैज्ञानिकों व अधिकारियों को आईना दिखाते हुए कहा कि कागज में तो सब सही दिख रहा है, पर जमीनी हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक को जमीन पर उतरने की जरूरत है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए सपा मुख्य मुस्लिम कार्यकर्ता आदिल जालस ने खून से पत्र लिखा है, जिसमें आदिल ने अखिलेश को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस चिट्ठी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में 2022 चुनाव को लेकर स्लोगन भी लिखा गया है। फतेहपुर जिले में आए हास्य कलाकार व फिल्म विकास परिषद अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान के ऊपर ड्रग्स को लेकर कई कार्रवाई से एनसीबी की कार्रवाई से संतुष्टि जताई है। साथ ही कॉमेडियन अंदाज में उन्होंने कहा कि आज के समय में जिस तरह से आर्यन को दिखाया गया है, आर्यन इस गेट से निकलेगा और आर्यन को लेकर जो दिखाया जा रहा है वह गलत है। वो एक नशेड़ी है और सबसे ज्यादा पंजाब सहित अन्य राज्यों में नशा हो रहा है, जिस पर एनसीबी कार्यवाही कर रही है। वही कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन को लेकर तंज कसते हुए राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि यूपी में विपक्ष तो है ही नहीं, सब शांत रहते हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा द्वारा 2022 में महिलाओं पर ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका 5 स्टार में रहने वाली नेता है और ये सब बड़े घर के बच्चे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को जुझारू नेता चाहिए। 2022 में भी कुछ कमेटी बता दीजिए, 2022 की कमेटी बता दीजिए। प्रोग्राम बना लो, तूने पेमेंट किया हमें। तो कोई बात जरूर करेंगे। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी पहले आई क्या, देखो गणपति जी स्थापित किए गए, फिर उसके बाद आई डांडिया। डांडिया में फतेहपुर में हो गई बदमाशी, हमें ये संजय ने बताया, किसी ने डांडिया रखा होगा। अब डांडिया इतने इतने बड़े होते हैं डांडिया, वहाँ पता नहीं कौन था कमीना, दो दो हाथ के डांडिया लाया और ये नचा नचा चला रहा है। कितने लोग मुहम्मदाबाद तहसील से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर NH 31 पर गाजीपुर हाजीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित अहिरौली चट्टी पर सुबह चाय पी रहे लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे घटना स्थल पर 4 लोगों की ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही मौके पर बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंच गए और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा को लेकर नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक और नया कारनामा सामने आया है। बता दें कि बिना मानक पूरे किए कराए पर बिल्डिंग में हॉस्पिटल संचालन की परमिशन दे दी गई। अग्निशमन अधिकारी ने मामला संज्ञान लेते हुए आपत्ति जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा।
रुपए के दम पर नोडल अधिकारी एसएल वर्मा ने क्लिनिकल की जगह हॉस्पिटल संचालन की अनुमति दी। और नोटिस दे दिया गया है और जो पत्रावली आई है जिनमें एमओसी संलग्न नहीं है उनको रोक दिया गया है। कितने दिन में कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि चलती रहती है और लोग विजिट पर जाते हैं और चिकित्सालयों का निरीक्षण करते हैं क्योंकि जनपद में ये बहुत ज़रूरी है आम जनमानस के लिए कि वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों की खामियों को ठीक करने के लिए यहाँ से नोटिस जाते हैं और वो अपनी व्यवस्था करते हैं कि हॉस्पिटल विदाउट बेड वाले और ग्राउंड प्लस फर्स्ट ग्राउंड टू स्टोरी थ्री स्टोरी या 15 मीटर से ऊपर सबकी व्यवस्थाएं अलग है, जिसमें आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चरल दोनों आता है। कानपुर देहात में हॉस्पिटल की हमारे टाइम में कम से कम 3-4 बार फायर ऑडिट किया जा चुका है। नवागंतुक खंड विकास अधिकारी सविता सिंह ने पदभार संभाला है। इस दौरान जेईएसडी और पंचायत ब्लॉक सचिव कर्मचारियों ने फूलमाला पहनाकर अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। राजपुर विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी सविता सिंह का स्वागत करते हुए जोरदार स्वागत किया गया। पदभार संभालते ही खंड विकास अधिकारी सविता सिंह ने कर्मचारियों के साथ बैठक की, अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। रायबरेली पुलिस को ऑपरेशन मैकेनिक अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन मैकेनिक के जरिए पुलिस ने चोरी की 3 बाइक और 3 लाख के जेवर समेत 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने पुलिस अधीक्षक ने जिले में ऑपरेशन मैकेनिक चलाया था, जिसके तहत जिले भर के थानों को निर्देश दिया गया था कि अपने इलाके में बाइक मैकेनिक की दुकानों पर खड़ी रहने वाली बाइकों के कागज चेक करें। इसी कड़ी में कुल 1140 बाइकें चेक की गईं, जिनमें 12 संदिग्ध और 2 चोरी की थी। दिनांक 28 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक ऑपरेशन मैकेनिक चलाया गया था। बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरियों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था। इसमें सभी मोटरसाइकिल बनाने की जो दुकानें थी, मोटर मैकेनिकों की दुकान थी, उनको थाना अध्यक्ष और उनके चौकी इंचार्ज और हल्का इंचार्ज द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें 1144 मोटरसाइकिलें करीब चेक की गई थी, जिसमें से 12 मोटरसाइकिलें संदिग्ध मिली जिनको थाने पर लाया गया और उसमें से 2 मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी की मिली जो थाना भदोकर क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। खबर रायबरेली से है, जहां मैकेनिक अभियान को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की बाइक व नकदी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि एक मैकेनिक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें मैकेनिक के यहां पर खड़ी गाड़ियों के पेपर चेक करने का अभियान चलाया गया था, जिसके चलते जब चेकिंग अभियान किया गया तो वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी, जिसके चलते वहां पे 12 गाड़ियों के संदिग्ध होने की बात कही गई थी। मैकेनिक अभियान को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो इस तरीके का काम कर रहे थे उनको पुलिस ने धर दबोचा है। संबल में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज मंत्री निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां सिंहपुर रासनी पहुंचे हैं। मास्टर हरपाल सिंह के आवास पर पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने शाल पहनाकर मंत्री का स्वागत किया है। संबल जिले के सिंहपुर गांव में मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री रहे मास्टर हरपाल सिंह जी के आवास पर उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आया हूँ जी। हम लोगों के बहुत पुराने लंबे समय तक उन्होंने पार्टी में काम किया है जी, और हम लोगों के विस्तार में पार्टी के विस्तार
बीते 29 अक्टूबर को सिविल लाइन थाना इलाके के पॉश व वीआईपी जोन में सरेआम सड़क पर लूट करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोबाइल कारोबारी से करीब 5 लाख नकदी समेत एक्टिवा और उनमें रखे मोबाइल फोन लूट कर बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लूट करने वाले 3 अभियुक्तों के साथ ही इस पूरी घटना में शामिल कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना सिविल लाइन्स में कलेक्ट्रेट तिराहे के पास एएमयू के क्रिकेट ग्राउंड के पास एक व्यापारी के साथ, स्कूटी सवार व्यापारी के साथ एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें स्कूटी और पैसा उसमें लूटा गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए सिविल लाइन पुलिस द्वारा 6 जनपद बिजनौर के नगीना में त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए पावर पर्व दिवाली, भैया दूज का गोवर्धन पूजा आदि को लेकर क्षेत्राधिकारी नगीना सुमिता शुक्ला ने पैदल मार्च निकाला। नगीना थाना प्रभारी पर पुलिस टीम के साथ मेन मार्केट और थाने के पास से होते हुए बड़े मंदिर से लेकर गांधी मूर्ति की तरफ के हुए पैदल फ्लैग मार्च का निकाला है, जिससे शहर में शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार का क्षेत्र में अपराध न हो सके। मकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को नहीं मिल रहा उनका हक, साथ ही खाद की किल्लत से किसानों की मौत हुई थी। इसके बाद मृतक किसानों के परिजनों से मिले हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने मृतक किसानों के परिजनों का दिया है मदद का आश्वासन। फर्टिलाइजर के उससे जैक भी किसान के घर पे हम गए, जिनकी डेथ हुई है, ये जिन्होंने सुसाइड करा है, उसमें निकल के यही आ कि खाद नहीं मिला, डीएपी खाद नहीं मिला और उसके अवसर उनकी डेथ हुई, क्योंकि एक ही टाइम में 4-5 दिन के अंदर ही, 4 दिन के अंदर ही 5 लोग की होगी, एक की शायद आज हुई। संभल के भैजोई में क्षेत्र पंचायत बैठक का आयोजन किया गया, विधायक पिंकी यादव ने बैठक का संचालन किया। बैठक में विधायक ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने बताया कि बीजेपी के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं, गरीबों को आवास तक नहीं मिल पाया और पवासा में बहजोई ब्लॉक में कुछ गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, जिसके बावजूद भी अभी तक ग्रामीणों को घर नहीं मिला है। कुछ जगहों पे जानकारियां ये है मिली है जो मुझे, कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन किया गया तो कुछ लोगों ने स्वयं कराया, एक दो जगह के संज्ञान बैजोई ब्लॉक का इस समय सामने आया है, और जिन जगहों पे जहाँ पे जिन्हें छत नहीं मिली है, जहाँ सरकार दावे करती है कि हमने ओडीएफ करके पूरे गांव को जो है स्वच्छ कर दिया, और अगर उन जगहों पर अगर छत नहीं मिली है तो ये गलत हुआ है। उन जगहों पर जो है उसकी समीक्षा बैठक होकर जिन जगहों पर नहीं मिला उनको। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।